नींबू, अमरूद, शरीफा, चीकू, बेर, आमला, करौदा, करेला और पीपल सहित सैकड़ों तरह के फल सब्जियों के साथ ही मेडिसिनल प्लांट, आप ये सब एक साथ देखकर उत्साहित होंगे, आंखों को सुकून मिल रहा होगा। लेकिन इसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये सब यानी इतना बड़ा बगीचा शहर के बीचों बीच एक शौकीन शख्स की छत पर बसाया गया है। जी हाँ, घर की छत पर पेड़ पौधों का इतना बड़ा संसार किसी को भी अपनी ओर खींच लेगा। इस तरह का खास बगीचा अपनी छत पर विकसित करने वाले हैं बिहार के पूर्णिया निवासी गुलाम सरवर। पेशे से बीमा एजेंट हैं, पर इनके अंदर का किसान लगातार इन्हें ऐसा कुछ करने को प्रेरित कर रहा था। अपने पूर्वजों की सीख को अपनाते हुए उन्होंने अपने घर की छत के 5500 स्क्वायर फीट एरिया को एक सुंदर बगीचे का रूप दे दिया है। गुलाम सरवर बताते हैं कि 70 के दशक में ये पूरा इलाका आम का बागान था, लेकिन बाद में धीरे धीरे आम बागान काट कर लोग घर बनाने लगे। लेकिन उनके पिता मोहम्मद वाली खान पेड़ और कलम लगाकर रखते थे। गुलाम सरवर को बचपन से ही ये देखते देखते पेड़ों से प्यार हो गया था और वो इन पेड़ पौधों के बीच समय बिताने लगे थे। चूंकि अब वो गांव में नहीं रहते, इसलिए शहर में ही अपने घर की छत पर अपना शौक पूरा कर रहे हैं। मैं पैसे से LIC अभी करता हूँ, भारतीय जीवन बीमा निगम का, और मैं पूर्णिया लाइन बाजार का रहने वाला हूँ। ये रूफ गार्डनिंग चूँकि अब धीरे धीरे शहर में जो तो ज़मीन घटती जा रही है, तो उसका विकल्प क्या है? हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसको बचाना है, तो उसके लिए उसका सुगम उपाय यह है कि आप अपने छतों पर गार्डनिंग करें, और उससे आपको अपना स्वास्थ्य लाभ तो होगा ही, बल्कि समाज को भी प्रेरणा मिलेगी कि इसको करना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। गुलाम सरवर ने छत पर जो बगीचा तैयार किया है, उसमें सिर्फ फल सब्जियां ही नहीं हैं, बल्कि दुर्लभ प्रजाति के मेडिसिनल प्लांट भी मौजूद हैं। बगीचे में शरीफा, चीकू, बेर, आमला, करौदा, करेला, पीपल, सपोटा और शहतूत के साथ ही 32 मसालों की खुशबू वाला ऑल स्पाइस, शो प्लांट, गुलाब, चाइनीज अमरूद भी शामिल है। गुलाम भाई के 5500 स्क्वायर फीट की छत पर कुल 600 गमलों की अलबेली दुनिया है। ये लगभग 5500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और 1000 से आज के दिन में 1000 से ऊपर गमला है। यहाँ पे मिट्टी का गमला है, थर्मोकोल का गमला है, पोली भी बैग है, और यहाँ जैसे आपको नींबू है, सपाटू है, जाबुन है, मीठा इमली है, मीठा जाबुन है, बारो मास वाला बैर है, अमरूद है, 3-4 तरह का आपको गुलाब जामुन है, खीरनी है जो कि लुप्त हो रहा है, आने वाले बच्चे जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं कि खीरनी क्या होता है, तूत है, उसी तरीके से सीताफल जो है, शरीफा है। गुलाम सरवर बताते हैं कि आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन की कमी ना हो, उसके लिए जरूरी है आज ही ये सचेत होकर इस पर काम किया जाए। घर में जितने सदस्य हों, कम से कम उतने पेड़ तो जरूर लगाए जाएं, जिससे घर के आसपास पर्यावरण स्वस्थ और सुंदर बना रहे। ये इसलिए भी जरूरी है ताकि बीमारी आपके घर से दूर रहे।
घर में जितने लोग रहते हैं उतना पेड़ तो कम से कम लगना चाहिए। एक व्यक्ति को कितनी आवश्यकता है ऑक्सीजन की, उतना ऑक्सीजन जो है आप खुद पैदा कीजिए अपने घर में। एक फैक्ट्री है, एक वहाँ कितना ऑक्सीजन की खपत है और वहाँ पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसको बचाने के लिए कितने पेड़ की ज़रूरत है। उसका जो है पेट्रोल पंप है, आज जो है पेट्रोल पंप को जो तो NOC मिल जाता है, लेकिन उतना पेड़ पौधा नहीं लगता है जितना उसको आवश्यकता है या जितना उसका नॉर्म्स है। तो उस पर जो है तो अक्षरश पालन होना चाहिए। गुलाम सरवर कहते हैं कि बाजार में जो सब्जी मिलती है उसमें अधिकांश में रासायनिक खाद का इस्तेमाल होता है, जिससे बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए अपनी बागवानी में सब कुछ जैविक तरीके से उगाते हैं। शहर के लोग चाहे तो अपने कम से कम 4 से 5 सदस्य परिवार के लिए अपने घर पर गमले और छत पर ही ऑर्गेनिक सब्जी उगा कर उसका इस्तेमाल कर अपना स्वास्थ्य सुधार सकते हैं। बेसिक जो है हम गोबर देसी गाय का और मिट्टी इसी का इस्तेमाल करते हैं, और नीम की खल्ली और नीम के पत्ते को जो है पीस कर करके उसका रस निकाल करके उसी का छिड़काव करते हैं। मैं कोई इसमें जो है पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करता हूं, इसलिए कि अगर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करूंगा फिर उससे जो हवा निकलेगी तो वो फिर हमारे लिए जहर है, तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। इतना ही नहीं, गुलाम सरवर पौधों को संरक्षित भी कर रहे हैं और नई वैरायटी भी तैयार करते हैं। बोनसाई तकनीक के सहारे उन्होंने कई पुराने पौधों को छत पर संजो कर रखा है। दरअसल वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ से पेड़ों की अलग अलग प्रजाति लाना नहीं भूलते, फिर उसे कलम कर उससे नई पौध विकसित करते हैं। उनकी छत पर आज भी 20 साल पुराने तुलसी, पीपल, पाकड़ समेत दूसरे कई पौधे हैं जिन्हें उन्होंने संरक्षित कर अपनी छत पर सजा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।